मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सनाज वर्ल्ड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। एंड आज है डे टू इन लखनऊ और अभी हम लोग का प्लान है इमामबाड़ा निकलने का, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। सो लेट्स गो। ये है हमारे होटल का आउटर व्यू, ये है होटल आशीर्वाद और ये नेक्सॉन मार्केट में है। नेक्सॉन मार्केट लखनऊ का काफ़ी फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तो हम लोग पहुंच गए हमारे आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन पे और वो है छोटा इमामबाड़ा। लुक एट द व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे गाइड से बात चल रही है कितने में होगा, 200 उन्होंने स्टार्ट किया था, 150 उन्होंने खुद बोला, तो एक बार हमने सोचा लें या नहीं लें। तब तक वो सामने से बोलते हैं मैं 100 पे भी चलूंगा, तो वही है यहाँ पे 200 सब बोलते हैं, लास्ट में 100 और कई जगह पे तो लोग 50 में भी मान जाते हैं। ये वाला सीन है क्योंकि गाइड यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। हे एवरीवन, तो राइट नाउ आई एम इन छोटा इमामबाड़ा। पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा गया था कि सिर पे आपको कुछ दुपट्टा वगैरह रखना होगा स्पेशली लेडीज़ को, तो यहाँ पे मैंने स्टॉल रख लिया है। और धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ग्लासेस लगाई हैं और लिटरली धूप बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ये मॉर्निंग का टाइम है तो अभी हवा जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी चल रही है। तो यहाँ पे हमने गाइड बुक किया है और अब हम लोग यहाँ से गाइड की हेल्प से जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मैं पहले का आई हूँ बट वो काफ़ी पहले का हुआ है, आई गेस मोर देन 8 to 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। कम बेबी, ठीक हो? तो छोटा इमामबाड़ा में सबसे पहले हम जाएंगे शाही हमाम देखने। और मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की है ना कि जितने भी मुगल थे ना वो नहाने में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, लाइक नहाने के लिए उन सब ने अलग अलग पैलेस बनवा करके रखा हुआ है। वाह, खिड़कियाँ आपके सबुदी के टाइम की हैं लेकिन जनाब शीशा आज के टाइम का है, जिसके बीच में झांक के देखिए कोई गड्ढा दिख रहा है? हाथ दोनों से कह रहे हैं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये बादशाह के टाइम पे इसको तंदूर कहते हैं लेकिन आप चारों के टाइम पे इसको गीजर कहते हैं, पानी गर्म। अच्छा, इसी में जनाब कोले रखे जाते हैं, ऊपर से तांबे के ढक्कन को ढका जाता है क्योंकि जब नीचे से खुला जाएगा तो ऊपर का तांबे का ढक्कन जब गर्म होता है उसके जरिए से बीच वाले बाथटब का पानी गर्म और गुनगुना किया जाता है। एक में खुशबूदार पानी गुलाब वाला, एक में परफ्यूम इतर महक वाला, ये आपके पानी लाने के रास्ते हैं। ये बादशाह के टाइम पर लगी हुई चाबियाँ होती थी क्योंकि जब चाबी का लॉक खोला जाता था तो पानी को अंदर की तरफ लाया जाता है। इसमें छत्ता देख लेंगे, इसमें पर्दा होता लेकिन जनाब वो कालीन बेल्ट वाला लगाया जाता, लेकिन जब इसमें लगता था तो पतला सा गिरता था। गोल सा बनाने के लिए एक सिपाही इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर, चार सिपाही मैम खड़े होते लेकिन गोल सा पर्दा पकड़ के खड़े, और पर्दा इतना मोटा जनाब होता था कि इधर का उधर ना देख सको उधर का इधर। स्विमिंग पूल राजा अंकल का, राजा अंकल का एक अंकल थे, आइए उतरिए। तो शाही हमाम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं मेन छोटा इमामबाड़ा की दरगाह के अंदर। और आपने देखा होगा यहाँ गाइड ने काफ़ी क्लियरली सारी चीज़ें समझाई। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम कम है और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, लाइक कहीं आप घूमने के पर्पज़ से गए हैं, टाइम बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है ना, तो बेस्ट है वहाँ पर दो चीज़ें करना। फर्स्ट वन की गाइड बुक कर दीजिए, उससे क्या होता है कि उन्हें सारी डिटेल्स आपको क्लियरली वो समझा पाते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है, हम तो खैर फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम गए हैं तो हमें क्या पता वहाँ के बारे में। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि ऑटो हायर करिए। ऑटो हायर करने से ये बेनिफिट होता है ना कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी घूमने लायक रहती है ना वो आपको बता देते हैं और इजीली वहाँ पहुँचा भी देते हैं, प्लस रास्ते में भी अगर कुछ आए ना तो वो बताते रहते हैं कि ये क्या है, घूमने लायक है या फिर नहीं है, जो कि कैब में बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ भी हमें फुटवेयर उतारना है, लाइक लास्ट डे आपने देखा होगा कि देवा शरीफ में भी उतारना था तो वही चीज़ यहाँ भी है, शायद 5 रुपीज़ पर फुटवेयर यहाँ पर भी रेट है। और ये आउटर व्यू है और ये है दरगाह के अंदर, यहाँ पे उस टाइम की ताज़िया वगैरह को भी बहुत ही अच्छे से स्टोर किया गया है। काफ़ी एंटीक झूमर वगैरह हैं यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, वॉचेस हैं, लाइक वॉल क्लॉक है, मिरर है, जो भी एंटीक चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोर करके रखा गया है। तो अंदर जो था वो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था बट बहुत से लोग कर रहे थे सो मैं भी करने लगी, ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत था।
फ्रेंड्स, ये है छोटा इमामबाड़ा का मेन पार्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अंदर वीडियो और फोटोज वगैरह अलाउ नहीं थी, बट स्टिल मैंने देखा बहुत से लोग क्लिक कर रहे थे, तो मैंने भी कुछ पिक्स ले ली है। और कैमरा अलाउ नहीं है, लाइक कैमरा लाना हम लोग का बेकार हो गया है अभी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कैमरा अलाउ करते हैं या नहीं। तो छोटा इमामबाड़ा हमने पूरा घूम लिया, कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं था इसलिए हमने जमा किया था जो कि जाते टाइम हमने ले लिया। और ये है आउटर व्यू, लाइक मेन एंट्री जहाँ से आपको छोटा इमामबाड़ा में करना है। और यहाँ पे है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि यहाँ पे चल रही है गदर 2 की शूटिंग। लाइक ये बस आप देख सकते हैं, इस पे लाहौर वगैरह का नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान टाइप की शूटिंग चल रही है। इंडिया पाकिस्तान का कोई सीन है यहाँ पे, वो शूट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि ऑटो हायर करने के बहुत से बेनिफिट होते हैं, उसमें से एक ये भी है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ थोड़े से रुक जा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी क्लॉक टावर भी देखना है, पिक्चर गैलरी भी देखना है, और यहाँ शूटिंग भी हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा देर वो भी देख लो। तो यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, और ये पिक्चर गैलरी के पास में हो रहा था शूटिंग गदर 2 का। तो बहुत पास से तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके बहुत से गार्ड वगैरह थे और रश बहुत ज़्यादा था, और गार्ड सारे लोगों को थोड़ा दूर रहने के लिए ही बोल रहे थे, क्योंकि शूटिंग में डिस्टर्ब होता है। अंडरस्टैंड? हाँ, अच्छा, हाँ वहाँ पे शूट चल रहा है, वो लोग हाथ में बैनर लिए हैं क्रश इंडिया का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो गदर 2 की शूटिंग हो रही है। आई गेस सनी देओल के बेटे हैं उस मूवी में, तो काफ़ी ज़्यादा रश है, वो भी यहीं पे हैं। और कोई तो सीन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ, तो उसकी शूटिंग हो रही है यहाँ पे लखनऊ में। मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली थी, ज़्यादा शूट करना भी अलाउ नहीं था, और वो लोग बहुत दूर थे। राइट नाउ आई एम इन क्लॉक टावर, आपको यहाँ पीछे दिख रहा होगा। वेट, ये मेरे पीछे क्लॉक टावर है। अब ये चीज़ें काफ़ी बंद है, पहले के टाइम पे ये रानियाँ वगैरह यहाँ पे नहाती थी, प्लस बीच में फवारे वगैरह का भी सीन था, बट अभी ये सब कुछ बंद है। और इसी के पास में वो शूटिंग चल रही थी, और धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने हैट निकाल दिया है और वो स्कार्फ को रख दिया है। वेट, मैं बैक कैमरे से आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ पीछे का। तो ये है शाही तालाब। उस टाइम पे रानियाँ अपनी दासियों के साथ यहाँ पे नहाने आया करती थी, बट आप देख सकते हैं मेंटेन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंट्री चार्ज इन्होंने नहीं रखा है, इस वजह से मेंटेन बिल्कुल नहीं हो पाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में फाउंटेन वगैरह था जो उस टाइम पे चलता था, अभी बिल्कुल बंद है। फोटोशूट के लिए बेस्ट है, हमने कुछ पिक्स क्लिक की। और ये हम लोग आ गए हैं पिक्चर गैलरी के टॉप पे। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा है ना शाही तालाब और जो यहाँ शूटिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियरली दिख रही है, लाइक यू कैन सी। तो पिक्चर गैलरी का सीन ऐसा है ना कि ऑटो से हमें टर्न करके आना पड़ा, बट अंदर शूट करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। बट हाँ, एक बार देखने लायक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि जो भी पेंटिंग्स हैं ना अंदर वो मूवेबल हैं, लाइक आप जिधर जाते हैं उनकी नज़रें आप पे होती हैं। और ये सारे वैनिटी वैन्स थे जो उन सेलेब्स वगैरह के थे, क्योंकि वो यहीं पर रुके हुए थे। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।